हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी बाय दिवा। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। रिव्यू वीडियो है जिसमें मैंने अरोमा मैजिक सनस्क्रीन लोशन का रिव्यू मैं करूंगी और आपको बताऊंगी इसके बारे में। मैंने इसे अमेजोन से खरीदा था। इसकी पैकेजिंग इस तरीके की थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लाती रहती हूँ, मेकअप डीआईवाईज एंड रिव्यू वीडियो। एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, ये मैंने खरीदा था अमेजोन से और इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 175 की। मुझे इसकी प्राइस पड़ी थी एंड काफ़ी नॉमिनल प्राइस है, क्योंकि सनस्क्रीन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं एंड उनमें काफ़ी सारे केमिकल्स भी रहते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप धूप में जाएँ तो सनस्क्रीन ज़रूर लगा कर जाएँ, क्योंकि यूवी रेज और सन रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है स्किन के लिए। बहुत जल्दी एजिंग एंड बहुत जल्दी टैनिंग एंड बर्निंग करती है स्किन की, जिससे आपकी स्किन जो है समय से पहले ही बहुत ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो सनस्क्रीन तो आप ज़रूर लगाइए। सो ये सनस्क्रीन आप लोग सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। तो क्योंकि मैंने इसके रिव्यू पढ़े और भी अच्छे इसके पॉजिटिव रिव्यू हैं, तो चलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ इसके बारे में। तो ये मुझे 175 का पड़ा और इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 100 ml। एंड इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव सी है। नॉट ओनली सनस्क्रीन, इसके फेस वॉश, क्रीम और भी चीज़ें हैं इस ब्रांड की, वो भी काफ़ी अच्छी है और वो सब आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। इसका लिंक भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ इसके बारे में क्या खास है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। आई एम 100% फ्री ऑफ ऑक्सीबेंजोन, पैराबेन, हार्श केमिकल्स, अल्कोहल एंड आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस। यानी कि सनस्क्रीन अपने बारे में लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी ऐसा हार्श केमिकल नहीं है, जैसे कि ऑक्सीबेंजोल होता है, पैराबेन होता है या हार्श केमिकल होता है। सबसे फ्री है, इसमें अल्कोहल भी नहीं है और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस भी नहीं है। इसका जो ऑल मिनरल सुपर लाइट फार्मूला है वो एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है, जो कि धूप से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये नॉन ग्रीसी है, स्किन फ्रेंडली है और एनरिच्ड है कैरोटीन, सी बकथॉर्न से और राइस ब्रान ऑयल से, जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। They provide natural sun safety with vitamin B5, CE and prevent visible sign of aging, notes of lavender। यानी कि इसमें B5 विटामिन है और सी है और विटामिन ई है, जो कि विजिबल साइंस होते हैं जो एजिंग के, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप धूप में निकलते हैं तो आपको एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है शुरू। इसीलिए ज़रूर सनस्क्रीन लगाएं और ये काफ़ी अच्छा है जिनको ईचिंग होती है या जो नॉर्मल हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो आई एरिया के पास लगाते ही हमारी आंखें जलने लगती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। बिकॉज मैंने भी काफ़ी सारे सनस्क्रीन लगाए। एंड इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कैरेट एक्सट्रैक्ट फोर्टिफाई स्किन सेल्स एंड प्रोवाइड स्मार्ट सन प्रोटेक्शन। तो कैरेट के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो इसमें है, जो कि सेल को प्रोवाइड करते हैं स्मार्ट सन प्रोटेक्शन। इसके अलावा इसमें बता रखा है हाउ टू यूज एंड कॉशन, यानी कि कॉशन दे रखा है इसमें क्लियरली, इसे कैसे यूज करना है पहले वो बात कर लेती हूँ मैं। नीड द ट्यूब विद योर हैंड्स, गिव अ गुड शेक एज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टेंड टू सेपरेट, अप्लाई मी जनरसली 15 मिनट बिफोर द एक्सपोजर फॉर डिजायर प्रोटेक्शन, यूज हाफ टी स्पून टू प्रोटेक्ट योर फेस एंड 1 teaspoon टू कवर स्किन फ्रॉम हेड टू टो, फॉलो विद द मॉइस्चर, आई एम अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर डेली मेकअप रूटीन टू। सो यानी कि आपको इसे यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर 15 मिनट पहले ये सनस्क्रीन लगा लें, और इसको लगाने से पहले आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, और इसमें कितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है वो भी दे रखिए। यानी कि सिर्फ आपको फेस पे लगाना है तो आपके लिए हाफ टी स्पून काफ़ी है, और अगर आपको पूरा फेस टू टो पे लगाना है तो 1 teaspoon काफ़ी है। और इसमें दे रखा है रीअप्लाई एवरी 90 मिनट कॉशन में, एंड एवरी 30 मिनट्स इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग एक्टिव दैट्स कॉजिंग यू टू वर्क अप अ स्वेट एंड ऑलवेज आफ्टर स्विमिंग। यानी कि आपको हर 90 मिनट के अंतराल में लगाते रहना है, और हर 30 मिनट में अगर आप कुछ एक्टिवली काम कर रहे हो बाहर, ठीक है, धूप में जिसमें ज़्यादा आपकी स्किन एक्सपोजर हो रही है या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये सनस्क्रीन ज़रूरी है बहुत लगाना आफ्टर एवरी 90 मिनट्स। और उसके अलावा इसमें कंटेंट्स भी दे रखे हैं, इसमें प्योरीफाइड वाटर है, ऑर्गेनिक बीज वैक्स है, जिंक ऑक्साइड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सारी की सारी नेचुरल रहते हैं अमेजोन पे। तो पूरे इन्ग्रीडियंट्स दे रखे हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स इन्ग्रीडियंट्स नहीं देते, तो बेस नेचुरली उसमें केमिकल्स कंटेंट रहता है। तो इसमें पूरा क्लियरली दे रखा है, पीछे भी दे रखा है, और अगर आप उस खरीदने से पहले पढ़ना चाहेंगे अमेजोन पे तो पूरा पढ़ सकते हैं।
और ये है SPF 15। मुझे काफी सही लगा, MRP भी इसकी ठीक है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। अदरवाइज आप लोटस या लैक्मे का सनस्क्रीन खरीदते हैं तो वो आई गेस 300 से कम का नहीं आता है और बहुत ज्यादा ग्रीसी रहता है। आप खरीद तो लेते हैं, जैसे कि मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मैं खरीद लेती हूँ, मैं लगाती हूँ, मुझे ऑयली लगता है, मैं उसको साइड में उठा के रख देती हूँ, तो टोटल मनी वेस्ट है। लेकिन इसको जब मैंने अप्लाई किया, मेरी खुद की पर्सनल व्यू मैं आपसे शेयर करती हूँ, जब मैंने इसे ऑर्डर कर लिया और इसे मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे बिल्कुल भी नॉन ग्रीसीनेस तो लगी ही नहीं। अभी मैंने इसे ही लगा रखा है चेहरे पे और बहुत अच्छा क्लियर लुक था, बहुत फ्रेश था, ऐसा लगा ही नहीं था कि जैसे मैंने सनस्क्रीन लगाया। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने नॉर्मल क्रीम लगाई है। तो मैं इसको आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके का आया, बिल्कुल भी एक ग्लोइंग सा वो है, लेकिन ऑयलीनेस कहीं से भी नहीं दिखी मुझे भी। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और हर किसी की पॉकेट बजट में आराम से फिट हो जाएगा। तो एक ट्राई तो इसे जरूर दीजिएगा, मैं मुझे ये बहुत पसंद आया और मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो गाइज, ये था इसका रिव्यू और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। सो आप इसे जरूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मैं चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।